हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं। अब हम लोग रिव्यू करेंगे गुरुदास कॉलेज का हम लोग यहां पे रिव्यू करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट देख लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट इसका 1956 को हुआ था, 14th अगस्त। ठीक है, यहाँ पे ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका एड्रेस आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एड्रेस है सुरेंद्र सरकार रोड जेविस, फूल बागान में सिचुएटेड है। ठीक है, फूल बागान कोलकाता वेस्ट बंगाल 7,54,000। तो ये कॉलेज फूल बागान में सिचुएटेड है। आप लोग एक्सेस कर सकते हैं मैप्स और आप लोग पहुंच जाइएगा। यहाँ पे इन लोगों का फोन नंबर भी दिया हुआ है 0332370-3841। ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। आप लोग को फोटोज दिखाते हैं इस कॉलेज का। इस तरह का कॉलेज है, देखिए इस तरह का कॉलेज रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग कोर्सेज के बारे में जानते हैं कि क्या पढ़ाई होती है, कौन कौन सा कोर्सेज को लेके यहाँ पे पढ़ाई होती है। चलिए यहाँ पे अगर कोर्सेज देखें तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स प्लस जनरल कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स प्लस जनरल कर सकते हैं और बीकॉम ऑनर्स प्लस जनरल भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लोग ऑनर्स कर सकते हैं इसका मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे देखिए साइंस वाले सब्जेक्ट में कौन कौन से, सबसे पहले तो आप लोग बायोकेमिस्ट्री से यहाँ पे ऑनर्स कर सकते हैं, बोटैनी से ऑनर्स या जनरल कर सकते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री ऑनर्स या तो जनरल कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब सारे सब्जेक्ट से आप लोग ऑनर्स कर सकते हैं अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से आते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में आप लोग बंगाली ऑनर्स कर सकते हैं, बंगाली ऑनर्स प्लस जनरल, इंग्लिश ऑनर्स प्लस जनरल, हिस्ट्री ऑनर्स प्लस जनरल, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लस जनरल, इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्लस जनरल, फिलोसफी ऑनर्स, फिलोसफी का सिर्फ जनरल कर सकते हैं यहाँ पे, संस्कृत जनरल कर सकते हैं, सोशियोलॉजी जनरल कर सकते हैं, जो मतलब इसमें उसके बाद ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ऑनर्स प्लस जनरल कर सकते हैं, एजुकेशन जनरल कर सकते हैं। अब देखिए कॉमर्स के लिए सिर्फ एक ही है, ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और यहाँ पे जनरल। कंपल्सरी सब्जेक्ट आप लोग को पता है कौन कौन सा होता है, इंग्लिश और यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज, ये सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इनको पढ़ने ही पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं फीस के बारे में। अब फीस के बारे में थोड़ा सा चर्चा लेते हैं, फीस कितना कितना होता है इसका। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर कितना, ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर अगर आप बीएससी जनरल है तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए अगर आप बीएससी जनरल हो, अगर आप बीएससी जनरल हो तो आपका फीस लगेगा 6,020 रुपीज के अप्रॉक्स, पूरा का पूरा फीस आपका लगेगा। देखिए डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो तो 6,000 से 7,000 की का फीस आपका लगने वाला है, 6,000 से 7,000 का फीस आपका लगने वाला है। अगर आप बीए जनरल करने वाले हो तो 6,000 का पूरा टोटल फीस लगने वाला है, बीए जनरल करने वाले हो तो 6,000 का पूरा टोटल फीस लगने वाला है, बीए ऑनर्स करने वाले हो तो 6,000 के बीच में इसका भी फीस रहेगा, और बीकॉम जनरल करने वाले हो तो बीकॉम जनरल का आप लोग देख लो, बीकॉम जनरल करने वाले हो तो इसका भी 6,000 के आसपास यहाँ पे आपका फीस लगने वाला है। इसके बाद बीकॉम ऑनर्स करने वाले हो तो यहाँ पे 6,000 से 6,500 तक आपका फीस बीकॉम ऑनर्स करने में लगेगा, 6,000 से 6,500 का फीस यहाँ पे आपका बीकॉम ऑनर्स करने में लगेगा। पर ईयर का बात कर रहा हूं मैं पर ईयर का बात कर रहा हूँ, फुल कोर्स फी का बात यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बीएससी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस को लेके, बीएससी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस को लेके तो आपका फीस पड़ेगा पर ईयर 23,000 के आसपास आप लोग पकड़िए। और बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में तो आपका यहाँ पे पड़ेगा 20,000-21,000 के आसपास यहाँ पे आपका पड़ेगा। ठीक है, देखिए सारा का सारा आप लोगों को डिटेल्स मैंने दे दिया कि कितना कितना फीस होने वाला है, ये सब सारे डिटेल्स हैं। मेनली आप लोग समझिए कि
अगर आप लोग यहाँ पे बीएससी कुछ करना चाहते हैं, बीएससी ऑनर्स विद कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, तभी आपका 23-24 हजार लगेगा, वरना सारा का सारा स्ट्रीम का फीस आपका 6 हजार के बीच में लिपट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बस आप लोगों को यही चाहिए कि 55% इन एग्रीग्रेट आना चाहिए, 55% इन एग्रीग्रेट आना चाहिए और 55% इन द सब्जेक्ट आना चाहिए जो सब्जेक्ट में आप लोग ऑनर्स लेना चाहते हैं। ह्यूमैनिटीज ऑनर्स के लिए बस वही है कि 55% आप लोगों को टोटल मार्क्स लाना है और 55% वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लाना है जो सब्जेक्ट में आप लोग ऑनर्स करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए साइंस ऑनर्स के लिए 65% आप लोगों को चाहिए वो ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में और 50-55% चाहिए एग्रीग्रेट में। 65% चाहिए वो ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में और 55% चाहिए आप लोगों को नॉर्मल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग साइंस ऑनर्स कोर्सेस का थोड़ा सा पॉज करके आप लोग पूरा का पूरा क्राइटेरिया आप लोग बिल्कुल देख लीजिए अपने से। ठीक है, चलिए सीट्स के बारे में बात करें तो बीए के लिए सिर्फ 300 सीट्स है, बीएससी के लिए 70, बीएससी बायो के लिए यहाँ पे 70 और बीकॉम के लिए यहाँ पे 250 सीट्स है। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर जनरल कोर्सेज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी फॉर जनरल कोर्सेज बस यहाँ पे 40% अगर आप लोगों को आप लोग ले आए तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे जनरल कोर्सेज के लिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो जनरल कोर्सेज के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं 40% में ही। उसके बाद आप देखते हैं प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट एज सच कुछ खास मेरे को मिला नहीं प्लेसमेंट, लेकिन हाँ गुरुदास कॉलेज एक अच्छा खासा कॉलेज है। अगर आपका स्किल्स अगर आपका कैलिबर अच्छा रहा तो आप लोग 3 से 3.5 लाख रुपया ये पर ईयर कमा सकते हैं गुरुदास कॉलेज का प्लेसमेंट, बस यही है, बाकी तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप लोग बहुत अच्छे से रहिए और ऐसे ही हमारा कॉलेजेस वाला का रिव्यू एंजॉय करते रहिए।